हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दिवाकर वर्मा एंड यू आर वाचिंग जीएस टेल्स। जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है प्रीलिम्स के, आप सभी सोच रहे होंगे कि प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। मैं भी वही सोच रहा हूँ। इसी वजह से वन डे एग्जाम स्पेशल में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लगातार इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा और अपनी जो भी इशूज़ रहेंगे उसमें भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे उसको और ज़्यादा हाईलाइट करूँगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टू डेज न्यूज़ पेपर। वेर इज दैट फर्स्ट आर्टिकल? यस, अ पर्सन वीक नीड बिफोर द पावरफुल कैनॉट बी अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये मुद्दा क्या है? ये हैं अभी एक अरुण गोयल साहब, जिनको एक दिन के आनंद फानंद में ही जल्दी से उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है, तो उसी को जिसमें सब कोई डाउट होगा, एक दिन में ऐसे क्या हुआ कि अचानक से किसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाए, तो उसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने ये संज्ञान लिया है मामले को। सरकार से कहा है कि जो रिकमेंडेशन होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए, उसमें सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं बल्कि और लोगों का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। ज़रा सोचिए, आप इतने उत्साह से इतने गाजी बाजे के साथ चुनाव में इन्वॉल्व होते हैं, आप सोचते हैं कि मैं अपने कैंडिडेट को इलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, उसे वोट दे रहा हूँ, आप अपनी प्रायोरिटी के बेस पे उसे इलेक्ट करते हैं, फिर कहीं बाद में पता चले कि जो चुनाव आयोग है वो किसी न किसी फेवरेटिज्म का शिकार हुआ है या किसी की पसंद नापसंद का शिकार हुआ है। होता हमेशा से यह है कि अब तक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन पे ही अपॉइंट होते थे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे। ठीक है, लेकिन ये अभी क्या है, अभी एक दिन के मतलब पूरा उनका जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस था वो पूरा एक दिन का ही था, उसी में ही उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बना दिया गया, तो थोड़ा डाउट सबको होता। ठीक है, उसी के बारे में ये आर्टिकल है। आपका जो वोट है, आपका जो चुनाव है, इम्पार्शियल हो एंड फ्री एंड फेयर। ठीक है, किसी की तरफ वन साइडेड या पक्षपात ना हो, ऐसा कुछ करके। ठीक है, तो बस इसमें यही मेन चीज़ें हैं कि तक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर ये लोग इनको अपॉइंटमेंट दिया जाए, उसकी एक ऐसी कमेटी बने जिसमें प्राइम मिनिस्टर हों, लीडर ऑफ अपोजिशन हो इन लोकसभा और लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन। कभी कभी क्या होता है ना कि कहते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, लेकिन लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन तो होता ही कोई ना कोई। ठीक है, और उसके साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उस कमेटी में शामिल होंगे, ये लोग रिकमेंड करेंगे, उसके बाद जो प्रेसिडेंट उसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आगे इस मामले में कि इलेक्शन कमीशन जो है एक इसका बहुत ही तगड़ा इंडिपेंडेंस होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए और उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए। इस बेस पे इलेक्शन कमिश्नर्स को इलेक्ट किया जाना चाहिए, चूज किया जाना चाहिए, ना कि किसी गवर्नमेंट का उनके ऊपर मोनोपोली हो या एक्सक्लूसिव कंट्रोल हो। है ना, आफ्टर ऑल सोचिए, अगर इलेक्शन कमिश्नर्स या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अगर पक्षपात का शिकार होगा तो आपके वोट का क्या मतलब है? कहने को तो आप वोट आपका अधिकार है, आपकी ड्यूटी है, लेकिन कुल मिला के बेवकूफ़ बन सकते हैं अगर ऐसा कुछ रहा। ठीक है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हाई पावर्ड कमेटी बने जिसमें प्रेसिडेंट को एडवाइस किया जाएगा कि वो तीन लोग एडवाइस करें, उसके बाद ही किसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाया जाए। ठीक है,
इसमें आगे ये भी कहा गया है कि जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, क्या होता है पहले कि उनका जो रिमूवल होता है, इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कहने पर होता था। तो ये बहुत ही उनकी जो सिचुएशन होती थी, उनकी पोजीशन बहुत वल्नरेबल हो जाती थी। वल्नरेबल इन द सेंस कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब उनको चाहे अपनी मनमर्जी से हटा सकता था। तो इससे उनकी जो जो उनका जो पोस्ट है, उनका जो पद है, उस पर ज़रूर इस बात का ख्याल रहता रहा होगा कि हाँ हमको कभी भी हटा दिया जा सकता, हम इस हिसाब से काम करें। तो इससे उनकी जो निष्पक्षता है उस पर सवाल उठते हैं, उस पर प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस हैं अजय रस्तोगी, उन्होंने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी भी रिमूवल का जो प्रोसेस है एकदम वैसे ही होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रिमूवल होता है वो क्या होता है, उसके लिए पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लाया जाता है, टोटल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स पास करते हैं, फिर 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग जो होते हैं, उपस्थित होते हैं और वोट करते हैं, उसका 2/3 मेंबर्स का तब पास करना, वोट करना जरूरी होता है। उसके बाद उसी सेशन में वो जो उनका प्रेसिडेंट उस पर साइन करें, फिर जाके वो रिमूव होते हैं। ठीक है, अजय रस्तोगी जी की बात मैंने बता दी कि आर्टिकल 324 के 324 क्लास 5 के अंतर्गत जो रिमूवल का प्रोसीजर होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, वो इलेक्शन कमिश्नर को भी बढ़ा देना चाहिए, अर्थात उनकी भी जो टेन्योर है वो सुरक्षित होना चाहिए, इस बेस पे ना डिपेंड हो कि हाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब चाहे तब हटा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक कमी और भी है कि जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वाजिब तरीके से ही उठाया है कि उनका एक अलग से सेक्रेटेरिएट होना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर का, जिसमें ये डिसाइड हो कि उनका जो फंडिंग होगा, जो उनको मतलब जो स्पेंडिंग होगी इलेक्शन कमीशन के मतलब चुनाव कराने के दौरान, वो उस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाए। ठीक है, ना कि सरकार उसको दे, सरकार अगर उसके फंड्स की भरपाई करेगी तो अभी सी बात है, अगर उनके मन मुताबिक काम नहीं करेंगे इलेक्शन कमीशन वाले तो सरकार उनके फंड को रोक सकती है, उनकी सैलरी रोक सकती है, तमाम चीज़ें। तो उससे उनकी निष्पक्षता पर, उनकी कार्यवाहिता पर भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस चीज़ को भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कह रहे 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को, लेकिन अभी भी क्या है कि हम एक कानून नहीं बना पाए कि उनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसमें इसका कारण क्या, 75 साल से आप ये कानून नहीं बना पाए कि इलेक्शन कमीशनर का चुनाव किस तरीके से, उनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से हो, इसको इसका जो लॉजिक है समझने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका सीधा सा लॉजिक है कि अगर कानून बना देंगे तो उस हिसाब से करना पड़ेगा, फिर आपका जो कंट्रोल है, जो आपकी मोनोपोली है, वो हट जाएगी। इसलिए कोई पार्टी अभी तक कोई नियम नहीं बना पाई है, हालांकि ये गलत है, बनाना चाहिए, एक नियम के थ्रू होना चाहिए जिससे ट्रस्ट बिल्डअप होगा, है ना। जो ये EVM हैक हो गया, क्या हो गया, चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, ये सब सारी जो एलिगेशन रहते हैं वो सब आगे से नहीं रहेंगे। ठीक है, देखिए परमानेंट सेक्रेटेरिएट होना चाहिए जिसमें कि उसके एक्सपेंसेस जो हैं डायरेक्टली फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया द्वारा बियर करे जाना चाहिए, नॉट द गवर्नमेंट। ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो रिमूवल का ऑर्डर है ना, उसमें जिसमें बताया कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसी सेशन में प्रेसिडेंट द्वारा उस पर उनका साइन। अच्छा, कारण क्या होता है, दो बेस होते हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, मतलब अक्षमता और खराब बर्ताव के चक्कर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है, और कोई कारण नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है। और एक चीज़ और भी है कि इनको इलेक्शन कमीशन एक्ट 1998 के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया गया है कि वो कम से कम 6 साल के लिए इनको अपॉइंट किया जाए,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एंड इलेक्शन कमिश्नर को। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दैट आर्टिकल। वी हैव गॉट अ क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इन द 2022 जीएस पेपर 2। डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन लाइट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। कह रहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के संदर्भ में कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे कैसे उसका जन्म हुआ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल क्या है। ठीक है, इस पर आपको क्वेश्चन लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है आपके GS2 में है, ठीक है, और इसको GS4 में भी बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है, यूज़ किया भी जाना चाहिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कुछ ऐसा, अगर मैं इसका ब्रीफ देना चाहूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो 1960 में केरला की सरकार ने अपने चुनाव के लिए ऐसे ही जारी किया था, ठीक है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए 1960 में केरला गवर्नमेंट ने जारी किया था, ठीक है। बाद में 1962 के लोकसभा चुनाव में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने इसको पूरे देश में लागू करवाया, पूरे देश में जो है जारी किया लागू होने के लिए। फॉलो हो रहा था, सबको अच्छा लग रहा था, उचित बात है, कहने सुनने में तो अच्छा ही लगता है कि ऐसा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो जिसमें कि चुनाव बहुत ही निष्पक्ष तरीके से, फ्री एंड फेयर तरीके से हो सके, ठीक है। लेकिन फिर क्या है, पार्टीज़ को तो जीतना ही होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, किसी न किस तरीके से उसका जो 1991 में कुछ ज़्यादा ही उल्लंघन हुआ, करप्शन वगैरह हुए, उसके बाद से 91 के बाद से जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है उसने थोड़ा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कराना शुरू किया, ठीक है। और इसमें होता क्या है, होता यही है कि आप थोड़ा मतलब तमीज़ से बर्ताव करेंगे, तमीज़ इन द सेंस कि किसी को ब्राइब नहीं देंगे, करप्शन के थ्रू वोट नहीं मांगेंगे या हेट स्पीच नहीं फैलाएंगे, है ना। एक दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की जो बुराई भी करनी है तो उनकी नीतियों की करिए, उनके काम की करिए, उनके धर्म जाति संप्रदाय की नहीं करिए। उन सब सारी चीज़ों को, या आपको इलेक्शन की मीटिंग करनी है कहीं तो उसके लिए पुलिस को पहले इन्फॉर्म करिए ताकि सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई थिंक मैंने इवोल्यूशन का थोड़ा थोड़ा हल्का सा आइडिया दे दिया है। अब इस बेस पे क्वेश्चन का आंसर लिखिए एंड पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज तेलंगाना गवर्नमेंट मूव्स सुप्रीम कोर्ट। अब आप कहेंगे कि ये तो रोज़ का दाल भात हो गया, रोज काम हो गया, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर्स के बीच का टसल तो है ही भाई, क्या कर सकते हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और पार्टी की रहेगी और स्टेट गवर्नमेंट किसी और पार्टी की रहेगी तो बहुत ज़्यादा चांस है कि स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में टसल चलता ही रहता है। अभी भगवंत सिंह मान का उधर केस था कुछ दिन पहले आपने देखा, तो वहाँ भी अभी महाराष्ट्र पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी वहाँ भी है, तो लद्दाख का केस हो गया, मतलब कोई दिल्ली का तो एकदम क्लासिक केस चलता रहता है कि हम तो काम करना चाहते जी, हमको कोई काम करने नहीं देता जी झाड़ू लगा रहे, तो सारी चीज़ें हैं ये। और एक उसी कड़ी में एक केस और भी जुड़ा है कि तेलंगाना गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से शिकायत कर रही है कि गवर्नर्स उनके जो हैं गवर्नर वो बिल पास नहीं कर रहे हैं तो बिल पास नहीं कर रहे हैं तो कौन सा बिल है, कब से पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यही सब देखना है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि सितंबर 14, 2022 ये दिन था, 14 सितंबर 2022 को जब बिल जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास करके गवर्नर के असेंट के लिए भेजा गया, ठीक है, मतलब 7-8 महीने हो रहे हैं कुल मिला के तब से गवर्नर साहब को समझ ही नहीं आया कि इसको पास करना है कि वापस भेजना है, वो कुछ नहीं किए, ठीक है, अपने पास रखे रहे। तो वही स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से कह रही है या तो वो उसे असेंट दे दें, पास कर दें, या तो वापस कर दें, उसको इतने दिन तक रखने का क्या मतलब, अर्थात काम नहीं करने देना चाह रहे हैं सरकार को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत पहले ही एक केस आया था जिसमें क्या बोलूँ, कुछ शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 में, जिसमें कहा था कि गवर्नर को सिर्फ और सिर्फ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर एज हेड
जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस होती है उसी पर काम करना होता है, जिसका हेड चीफ मिनिस्टर होता है, अपने मन से नहीं करना होता है, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है। ठीक है, तो वही आर्टिकल 200 के अंतर्गत वो जो स्टेट गवर्नमेंट है तेलंगाना की, उन्होंने कहा है कोई आर्टिकल 200 के अंतर्गत ये तो मैंडेटरी है गवर्नर या तो असेंट दे या तो अपना असेंट विथहोल्ड कर दे कि ना दे। फिर उसके केस में क्या होगा कि वो रिटर्न करे बिल को, फिर स्टेट गवर्नमेंट से कहे कि ये यस चीज़ें मॉडिफाई करिए, और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर उसको मॉडिफाई करती है कि नहीं करती है, और नहीं करती है बिना मॉडिफाई या मॉडिफाई किए कैसे भी करके अगर दोबारा भेजती है गवर्नर के असेंट के लिए तो उनको हर हाल में साइन करना ही होता है। तो क्या पता कुछ ऐसा हो दोनों के बीच का गैस जिसकी वजह से गवर्नर साहब ना तो वापस भेज रहे हैं, भेज देंगे तो क्योंकि दोबारा जब वो आएगी तो फिर फोर्स्ड, दैट विल बी फोर्स्ड टू गिव हिम द असेंट। और इसमें बाई वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 163 वही चीज़ की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही गवर्नर को काम करना है, ये आर्टिकल 163 में दिया गया है। ठीक है, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 का ये केस है, क्लासिक केस है, इसको आप याद रखें। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज शुगर बेल्ट शॉकर द फाइनेंशियल एंड सेक्सुअल अब्यूज ऑफ महाराष्ट्रस माइग्रेंट वर्कफोर्स। ये बहुत ही सेंसिटिव और सोचनीय विषय है। जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं इस आर्टिकल को पढ़ रहा था तो काफ़ी बार बहुत डीपली सोचना पड़ा कि अपने इंडिया में ही ऐसी चीज़ें हो रही हैं। इसमें यह है कि जिस शुगर बेल्ट शॉकर, जो महाराष्ट्र अपना शुगर बेल्ट माना ही जाता है, उसमें उच्च क्वालिटी का शुगर होता है, गन्ने की खेती अच्छी क्वालिटी की होती है, मतलब एक साथ एक तरफ से सैकड़ों बीघे गन्ने की खेती लगी हुई है। उसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो गांव देहात से लेके जाते हैं मजदूर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, वो लगभग 5 से 6 महीने के आसपास के लिए लेके जाते हैं। ये सर्दी का महीना होता है, मान लीजिए अक्टूबर नवंबर से लेके जाएंगे इधर फरवरी मार्च तक काम निपटाना होता है गन्ने की खेती का, कटाई उसका बधाई उसको मतलब ट्रैक्टर ट्रॉली पे लादना, ठीक है, ये सारा काम जो होता है, ढेर सारी खेती होते तो ढेर सारे मजदूर हज़ारों की संख्या में लोग लेके जाते हैं। उसमें क्या करते हैं वो, उनको हायर कैसे करते हैं, उनको अराउंड 1 लाख रुपीज़ देंगे 6 महीने के, ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे वो लेके जाएंगे, फिर वहाँ उन लोगों को उन लोगों से काम कराएंगे। वहाँ उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ बेसिक एमिनिटीज़ भी नहीं मिलती हैं, पानी लेने के लिए 2-2 किलोमीटर दूर तक जाना होता है, गाड़ी से पानी लेके आना होता है। ठीक है, आप डेली काम करना हो तो सुबह 5 बजे जाइए, शाम को 5 बजे निकल के आइए, एक दिन का 200-250 ऐसे कुछ बनता है। इससे भी बुरी बात यह है कि अगर आप एक दिन भी मिस कर दिए काम तो आपका होना तो ये चाहिए कि आपको उस दिन का वेज नहीं मिलेगा, उस दिन का वेतन ना मिले, सैलरी ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं है, वेतन तो नहीं मिलेगा, आपका उतना ही कार्ड भी लिया जाएगा। सबसे ज़्यादा इनजस्टिस वाली बात यह है कि हर हाल में आपको काम करना, आप बीमार हो गए, ठीक है, मैनू की कॉन्ट्रैक्ट बोलेगा मैनू की आप बीमार हो गए, मैंने तो आपको पैसा दिया, तो बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत टॉर्चरस स्थिति है। और ये तो फिजिकल अब्यूज़ हो गया, ठीक है, सेक्सुअल अब्यूज़ भी उनके साथ अक्सर होता रहता है, यहाँ से चले जाते हैं अपने समाज से कटे रहते हैं अलग रहते हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी भी अवेलेबल नहीं रहती है, ठीक है, वहीं रहना जो रहना कहीं कहाँ जाएँ कहाँ खाएँ, तो उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी अक्सर होता है। फाइनेंशियल का तो मैंने बताया ही कि एक दिन काम पे नहीं जाएंगे तो उसका जो वेतन नहीं मिलना नहीं मिलना होता है वो तो है, और कार्ड भी लिया जाएगा एक दिन का, ठीक है, टारगेट दिया जाता है 2-2 टन डेली आप गन्ना तैयार करिए, तो ये सारे एक्सप्लाइटेशंस हैं। उनके बच्चे अपने लेके जाते हैं, अपनी बकरी लेके जाते हैं वहाँ रखते हैं, उनके बच्चों का जो है न्यूट्रिशस फूड नहीं होता है, एजुकेशन तो भूल ही जाइए, एजुकेशन बंद ही रहता 6-6 महीने तक, तो ये सारी सिचुएशंस हैं। सारे 6 महीने में कुल मिला के अगर देखा जाए तो 50-60 हज़ार रुपये वो कमा पाते हैं, सोच के यही आते हैं हर साल की अगले साल नहीं आना पड़ेगा, इस बार कुछ बचा लेंगे कुछ बचा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता। 6 महीने तो कमाते हैं, फिर 6 महीने अगले जाके वहाँ पर रहते हैं, उसे उसी से गुजारा करते हैं। तो ये सिचुएशन है माइग्रेशन लेबर्स की, ठीक है,
का फिजिकल, फाइनेंशियल एंड सेक्सुअल सारा एक्सप्लॉयटेशन होता है। ये महाराष्ट्र का एकदम टिपिकल केस है। हालांकि ये ऑल इंडिया बेस पे लागू होता है, जो लोग इस तरीके से जाते हैं ना मास बेस में, उनके साथ लागू होता है। तो इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैंने इस आर्टिकल को लिया, द हिंदू में आया था। आप देख सकते हैं जो कि झोपड़ी में रहते हैं ये लोग, है ना, एकदम बेसिक फैसिलिटीज नहीं रहती हैं। वही से तंबू डाल देंगे, उसके बाद उसी में रहेंगे। सैनिटेशन एंड हाइजीन का तो भूल ही जाइए, हेल्थ का तो भूल ही जाइए, एकदम कोई केयर हो कोई कुछ भी कुछ नहीं। तो बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन होता है। क्वेश्चन हैं, इसके चेंज इन द ट्रेंड्स ऑफ लेबर माइग्रेशन विद इन एंड आउटसाइड इंडिया इन द लास्ट 4 डिकेड्स। कह रहा है कि पिछले 40 साल में, 4 दशक में माइग्रेशन, लेबर माइग्रेशन का ट्रेंड इंडिया में और इंडिया के बाहर क्या रहा है, उसका उसमें जो चेंज आया है उसको डिस्कस करिए। आपके हिसाब से क्या चेंज हो सकता है? मैं अगर थोड़ा सा इसका ब्रीफ ओवरव्यू करूँ तो पहले भी लोग सऊदी जाते थे, सऊदी अरेबिया, ठीक है, जनरली जो कहते हैं गल्फ कंट्रीज़ में, कतर हो गया, UAE, दुबई, अमेरिका भी जाते थे, यूरोप भी जाते थे। लेबर की बात हो रही है, यानी कि पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही, ठीक है। और इधर बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, इलीगल माइग्रेशन होता है। यही पूछ रहा है पिछले 4 दशक में क्या परिवर्तन आया है, क्या चेंज ट्रेंड्स में परिवर्तन आया है, आपके हिसाब से क्या लगता है, कुछ चेंज आया है कि सेम है, ठीक है, जो चेंज आया है तो उसी के बारे में लिखना है। चेंज तो काफ़ी है, अब इसमें जो ये एक्सप्लॉयटेशन का लेवल बढ़ गया है, ठीक है, एंड टेररिज्म एक बहुत ही फ्रिक्वेंट एंगल जोड़ा जाता है, फाइनेंशियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी चीज़ें हैं। अब इस बारे में लिखिए, ये GS1 का आपका क्वेश्चन है, तो आप उसी हिसाब से वही सारी टर्मिनोलॉजी यूज़ करके लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ इलीगल ट्रांसबॉर्डर माइग्रेशन डिस्पोज अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी, डिस्कस द स्ट्रेटजीज टू कर्ब दिस, ब्रिंग आउट द फैक्टर्स व्हिच गिव इंपेटस टू सच माइग्रेशन। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इलीगल ट्रांसबॉर्डर माइग्रेशन जो होता है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए किस तरीके से थ्रेट बनता है, खतरा है। इलीगल ट्रांस बॉर्डर माइग्रेशन का मतलब ये हो गया, जैसे इंडिया नेपाल बॉर्डर, ठीक है, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर हो गया, या आपका म्यांमार इंडिया म्यांमार बॉर्डर हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है ना, अक्सर इलीगल ट्रांसफ़र होता है लेबर्स का, सेक्सुअल वर्कर्स का, ऐसे इधर बाकी पाकिस्तान से जो लोग आते हैं, हालांकि सिक्योरिटी तगड़ी है, सुरक्षा कड़ी है, फिर भी वहाँ से माइग्रेशन करके लोग आते हैं किसी न किसी तरीके, उसमें टेररिज्म का सबसे बड़ा एंगल आता है, ठीक है। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, या एनिमल ट्रैफिकिंग होता है, या हवाला, ये सारी चीज़ें तो ये माइग्रेशन के थ्रू होती हैं। जनरली क्या क्या थ्रेट इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, ये तो मैंने बताया किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका मैंने बताया हवाला वाला, ठीक है, यहाँ पे आएंगे तभी NRC चल रहा था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट चल रहा था असम में, ठीक है, ये बांग्लादेश वाले हमारे यहाँ चले आते हैं, मेघालय कहता है हमारे यहाँ चले आते हैं, मणिपुर उधर, मिजोरम उधर जो होते हैं उधर म्यांमार वाले चले आते हैं, और नेपाल इंडिया का बॉर्डर भी थोड़ा सा पोरस है, ठीक है, वहाँ से भी आना जाना लगा ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें आके मतलब क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेट पोज करती हैं इसके बारे में आपको लिखना है। और दूसरी चीज़, इसको फिर कम करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी होती हैं ना, और कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे माइग्रेशन के लिए ज़िम्मेदार हैं, ठीक है, फाइनेंशियल हो गया, जो टेररिस्ट होते हैं उनका तो ब्रेन वॉश ही हुआ होता है, ठीक है, फिजिकल नीड्स हो गई, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो होते हैं वो हो गया, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि म्यांमार का जो केस है, म्यांमार से
लोग आ जाते हैं, रोहिंग्या मुस्लिम का केस हो गया, ठीक है, और बांग्लादेश से भी अगर म्यांमार उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है तो उनको कहीं ना कहीं निकल के जाना पड़ता है। वो पॉलिटिकल क्राइसिस भी है, ह्यूमन राइट्स क्राइसिस के अलावा, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिस पर आप आंसर लिखें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, पोस्टिंग इंडिया स्टैंड ऑन द यूक्रेन वॉर। यूक्रेन वॉर, यूक्रेन वॉर, सुनते सुनते कान तो पक गए होंगे, लेकिन आर्टिकल हर बार आता है तो कुछ ना कुछ नया एस्पेक्ट लेके आता है, कुछ ना कुछ नया एंगल लेके आता है। इसमें भी काफ़ी कुछ नया है, ठीक है। इसमें हुआ यही है, इंडिया की पोजीशन को राइटर एक्सप्लेन करना चाहता है कि इंडिया क्या है, रसिया के खिलाफ यूएन में वोट नहीं कर रहा है, अब्सटेंड कर ले जा रहा है, ठीक है। यूएस का जो वेस्टर्न यूरोप एंड यूएस का जो सैंक्शन है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, उसका साथ नहीं दे रहा है रसिया खिलाफ, रसिया से ऑयल खरीद रहा है, ठीक है, उससे डिफेंस डील कर रहा है। ये सारी चीज़ें एक तो माना जा रहा है कि रसिया एग्रेसर है, यूक्रेन पे जो है इन्वेजन किया है, वॉर चल रहा है, उसके बाद भी इंडिया जो है रसिया को कंडेम क्यों नहीं कर रहा है, तो इस पे ये आर्टिकल है, ठीक है, देखते हैं। दूसरी चीज़ है कि G20 भी चल रहा है इंडिया में, तो एक्स्ट्रा प्रेशर उसका, तो ये सारी चीज़ें अभी 23 फरवरी को, ठीक है, जो पहला एनिवर्सरी हुआ रसिया यूक्रेन वॉर का, तो उसी मौके पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन लाया गया कि युद्ध को कैसे समाप्त किया जाए, वॉर को कैसे समाप्त किया जाए, जिसमें 141 मेंबर्स ने फेवर में वोट किया कि हाँ युद्ध समाप्त होना चाहिए, और 7 लोगों ने अपोज किया, बाकी 32 लोग अब्सटेंड रहे, वोट ही नहीं किए, ठीक है, 32 मेंबर्स। इसका क्या मतलब है? ऑब्वियस सी बात है, उन 32 मेंबर्स में से एक इंडिया भी था, उसने वोट ही नहीं किया। इंडिया ने, जैसा मैंने बताया, रसिया के इन्वेजन को कंडेम करने से मना कर दिया, वेस्टर्न सैंक्शंस को नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसकी वजह से वेस्ट जो है, वेस्टर्न कंट्रीज़ सवाल उठाते हैं इंडिया की डेमोक्रेटिक थिंकिंग पर, डेमोक्रेसी है कि ऑटोक्रेसी है, आप जो है लोगों के नहीं सोच रहे हैं, वार को नहीं ख़त्म कर रहे हैं, उसको फ्यूल कर रहे हैं लगातार, रसिया के साथ बने हुए हैं, उसको कंडेम नहीं कर रहे हैं, उसके यहाँ से ऑयल ख़रीद रहे हैं, डिफेंस डील कर रहे हैं, तो इंडिया ही नहीं, तमाम और भी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि ब्राज़ील हो गया जो साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, उसने भी सेंक्शन को ज्वाइन नहीं किया, उसके साथ साथ तमाम और छोटे बड़े डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, इन्होंने सेंक्शन को ज्वाइन नहीं किया। इवन कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जो मिस्टर बाइडेन की ग्रुप का हिस्सा हैं या उनके साथ चलते हैं, जैसे कि इज़राइल एंड तुर्की। आपको पता है इज़राइल तो अमेरिका का एकदम बहुत ही ट्रू फ्रेंड, ट्रू एलाय है, उसने भी वेस्टर्न सैंक्शंस को फॉलो नहीं किया है, तुर्की भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो इंडिया कोई बहुत अकेला केस नहीं है, हालांकि इसके तमाम कारण भी हैं। और दूसरी चीज़, इसको लोग कैसे देखते हैं, ये सिर्फ वर्ल्ड की प्रॉब्लम नहीं होके एक यूरोपियन कंट्रीज़ की प्रॉब्लम, दो यूरोपियन देशों की प्रॉब्लम है जो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा से मतलब बना हुआ है, वहाँ से निकला है, पोस्ट कोल्ड वॉर वाला मतलब 1991 में जो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, विघटन हुआ, उसके बाद रसिया लगातार कोशिश कर रहा है, जैसे 2014 में उसने क्रीमिया पे इन्वेजन किया, उससे ऑक्यूपाई किया, तो वो कोशिश कर रहा है कि सोवियत यूनियन को फिर से यूनाइट किया जाए उस बेस पे, तो ज़्यादातर कंट्रीज इसको इस तरीके से देख रही हैं। ऑब्वियसली उसके कुछ पार्ट को उसने ऑक्यूपाई किया, इस बार भी लोहांस दोहांस किस किस जो एरियाज हैं, इसी टेरिटरीज को, तो इस वजह से इसको वर्ल्ड की प्रॉब्लम ना मान के दो यूरोपियन देशों की प्रॉब्लम मान रहे हैं मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, जिसकी वजह से ज़्यादा एग्रेसिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। और दूसरा जो एंगल है, मोरेलिटी वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट, वेस्टर्न कंट्रीज कह रही हैं कि मोरेलिटी के बेस पे ही कम से कम उसका कंडेम करिए, आप नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा देख रहे हैं, तो
इसमें सवाल ये आ जाता है ना, ये एक डिलेमा का केस है, ठीक है। जैसे वेस्टर्न कंट्री जो है, यूएस जो है, उसका फिलहाल तो नेशनल इंटरेस्ट और मोरलिटी दोनों सर्व हो रहा है रसिया के अगेंस्ट जाके, रसिया को कंडेम करके, है ना, उसको वीक करने का ही एक मोटो है, रसिया को वीक करना चाहता है अमेरिका। तो उसका नेशनल इंटरेस्ट और मोरलिटी दोनों मतलब इस समय सर्व हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहा है। 2003 में जब इराक पे उसने इलीगली इन्वेजन किया, तो उस इराक की कंट्री का सोवरेंटी, उसकी सब संप्रभुता को उसने वायलेट किया था, ठीक है। तो वही है, मौका पसंद लोग हैं यूरोप वाले, अमेरिका वाले, जब अपना मौका बनता है तो इलीगली ऑक्यूपाई कर लेंगे। जैसे अभी भी उनके जो ट्रूप्स हैं, उनकी जो सेना है, सीरिया में इलीगली प्लेस्ड है, उसका नहीं देख रहे हैं। और तो और इज़राइल का केस देख लीजिए, ईस्ट जेरूसलम को जबरदस्ती इलीगली अनेक्स कर लिया, हड़प लिया है, सीरिया के गोलान हाइट्स को ले लिया है, और वेस्ट बैंक में वो इलीगल जेविस सेटलमेंट बना रहा है, जेविस का जो लोगों के लिए, जो यहूदी हैं उनके लिए, वो इलीगल सेटलमेंट बना रहा है वेस्ट बैंक में, ठीक है। अच्छा, उससे भी आगे बढ़ने वाली बात यह है कि यूएस ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, इसराइल की इस एक्शन को यूएस ने रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। अब वहाँ पर सारी मोरलिटी ख़त्म हो जाती है जेरूसलम में, यहाँ तक कि उसने अपनी एम्बेसी इस्टेब्लिश कर दी अमेरिका ने, ठीक है। तो वहाँ इस बार क्या है, यूक्रेन रसिया वार में उनका जो नेशनल इंटरेस्ट है, उनका जो मोरलिटी, दोनों सर्व हो रहा था, इसलिए मोरलिटी मोरलिटी कर रहे हैं। लेकिन अब इंडिया के लिए ये चीज़ जो है डिलेमा वाली बात है, को नेशनल इंटरेस्ट की तरफ जाए या मोरलिटी की तरफ जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इंडिया हमेशा ऐसे ही सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट ही देखता रहा, मोरलिटी में भी इंडिया बाकी तो अदर कंट्री से हमेशा आगे रहा है। जैसे कि जब 2003 में जे आर डब्ल्यू बुश की सरकार ने इलीगल इन्वेजन किया था यूरोप पे, उस पर इराक पे, तो उन्होंने अपील की थी इंडिया से कि आप जो है पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजिए इराक में। पीस कीपिंग फोर्स में आपको बता दूं, जो कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस को सर्व करने के लिए अपनी आर्मी का कुछ पार्ट, कुछ पर्सनल के भेजती हैं, वो पीस कीपिंग फोर्सेस कहलाती हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया ने उसमें साफ मना कर दिया था कि आपने इलीगली ऑक्यूपाई किया है इराक को, उस पर इन्वेजन किया है, हम उसके लिए पीस कीपिंग फोर्सेस नहीं भेजेंगे, तो उसी तरीके से आज भी इंडिया भले ही इतना साथ दे रहा हो रसिया का, लेकिन वो उसको आर्म्स एंड अम्यूनिशन या आर्मी सप्लाई तो नहीं कर सकते ना, कि नहीं ठीक है आप लड़िए, हम तुम्हारे साथ हैं, रसिया जी आप संघर्ष करें। तो इतना तो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए चीप लेवल पे ऑयल खरीद रहा है, उसको और जगह एक्सपोर्ट कर रहा है। वो अलग चीज़ है कि पता नहीं कहाँ से चीप, कैसा चीप है, इंडिया में तो कुछ कभी दाम घटे ही नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के इंडिया फाइनली यही चाहता है कि जल्द से जल्दी ये युद्ध समाप्त हो, नया सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो, जिसमें कि ग्लोबल इकोनॉमी स्टेबल रहे, और पूरा जो विश्व है, जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज्वलनशील मुद्दे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है, यूएन का रिफॉर्म ले लीजिए, इसमें इंडिया चाहता है कि इंडिया को परमानेंट सीट मिले, उन सब चीज़ों पर भी बात हो। दुनिया ख़त्म होती चली जा रही है, वैसे ही ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, हीट वेव्स लगातार और इंटेंस होती चली जा रही हैं, पेंडेमिक आ गया है ना, इकोनॉमिक स्लम डाउन आ गया, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत ही ज्वलनशील मुद्दे हैं। उससे फोकस ना होकर एक वार पर अगर फोकस रहेगी इंडिया या पूरी दुनिया, दुनिया के लिए ठीक नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, साउथ एशिया ह्यूमन कैपिटल इज द रिजिलियंस इट नीड्स। ये है साउथ एशिया के ह्यूमन कैपिटल के बारे में, उनकी स्किल सेट, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। अभी क्या हुआ, जनरली ऐसा तो होता नहीं है कि एक साथ पेंडेमिक आ गया, ठीक है, इकोनॉमिक स्लम डाउन हो गया, क्लाइमेट चेंज के कारण एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, हीट वेव, अब हीट वेव सुन ही रहे हैं लगातार, फरवरी में 100 साल का आंकड़ा पार कर दिया, एक साथ सारी कैटेस्ट्रॉफी, सारी जो आपदाएं हैं आ रही हैं। ये इतना, ये जो रेयर चीज़ें हुआ करती थी वो एक साथ हो रही हैं, क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि हमें फ्यूचर में भी ऐसी चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए।
तैयार कैसे रहेंगे? तैयार कुछ इस तरीके से रहना पड़ेगा जैसे कि जो हमारा अभी नुकसान हुआ है इन सब चीज़ों में, नॉलेज, स्किल सेट, पढ़ाई लिखाई, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है ना। पढ़ाई लिखाई में क्या हुआ, ऑन एन एवरेज पूरे वर्ल्ड में लगभग 141 दिन स्कूल बंद रहे, ठीक है। लेकिन साउथ एशिया का क्या है, साउथ एशिया में लगभग 225 दिन बंद रहे। तो साउथ एशिया वालों को ज़्यादा ही छुट्टी मिल गई, मिल गया मौका, तो मार लिए छुट्टी, ठीक है। वो चीज़ें हैं, अभी इतने दिन तक लोग पढ़ते हैं तब तो कुछ आता जाता नहीं, बच्चों को तो पढ़ने को वैसे मन नहीं करता। अगर छुट्टी मिल जाएगी उनका तो वही होगा ना कि गोगा का ही बसंत माई वाला सिस्टम हो जाएगा, कुछ ही नहीं आएगा। तो उनकी नॉलेज, उनकी स्किल्स को और उनकी हेल्थ को एक्यूमुलेट करने के लिए, जिसको कि ह्यूमन कैपिटल बोला गया है, रिजिलियंस की ज़रूरत है, अडॉप्टेशंस की ज़रूरत है नई नई टेक्नोलॉजी, और हमें रेडी रहने की ज़रूरत है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ ऐसा हो तो हम क्विकली रिकवर कर सकें और उसी के साथ डील कर सकें, ठीक है। ऐसे हॉल्ट पे ना चला जाए पूरा इकोनॉमी, पूरी पूरा वर्ल्ड। उसके लिए जिम्मेदार क्या क्या फैक्टर्स हैं, सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है, कि अंडर नरिशमेंट की वजह से मोस्टली 1/3 ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ साउथ एशिया रिमेन स्टंटेड। स्टंटेड का मतलब होता है कि दुबले पतले ना, अल्प विकसित, छोटे मोटे, नाटे कद के, तो कमज़ोर बच्चे। वो 1/3 लोग तो साउथ एशिया में ऐसे हैं जो इस तरीके के हैं, स्टंटेड है। इसका रीज़न यही है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा, हेल्थ पे अच्छे से जो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, एंड अंडर यूटिलाइज असेट। इसको दो तरीके से देख सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पहले नेगेटिव बताता हूँ कि जो हमारी क्षमता है उसका हम पूरी तरीके से उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है उसको एज अ कर्ज देखा जा रहा है। ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई, गरीबी का कारण क्या, ज़्यादा पॉपुलेशन, जो इकोनॉमी पे लगातार बर्डन बढ़ता चला जा रहा है, क्या क्या कारण, ज़्यादा पॉपुलेशन, रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन। अरे भैया ठीक है ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन करता कौन है, पॉपुलेशन ही तो सब करता है। तो उसको अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो हमारी जितनी क्षमता उतना हम यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात हमें हमारी क्षमता और भी ज़्यादा है, तो ये एक अच्छी बात है। उसी पॉपुलेशन को आप बेहतर तरीके से यूज़ करिए, ठीक है। बेहतर यूज़ करेंगे तो जो है डेवलपमेंट, ग्रोथ एक्सपोनेंशियली हो सकता है। एक अच्छी बात यह है साउथ एशिया में कि आने वाले 2030 तक हर महीने लगभग 10 लाख लोग लेबर फोर्स में एंट्री करेंगे, जो कि अराउंड 24 साल के एवरेज में एज है उनकी, लगभग हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ साउथ एशिया इज एज 24। ये बहुत ही बड़ी बात है, एकदम एजाइल और इनर्जेटिक लोग होते हैं। तो एक 2030 तक हाई डेमोग्राफिक डिविडेंड पाने का मौका है साउथ एशिया को। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, जैसे जो पॉपुलेशन होती है अगर वो वर्किंग है, सपोर्टिंग है, अर्न करने वाली है, ठीक है, तो वो आपकी इकोनॉमी को फ़ायदा करेगी, आपके घर को फ़ायदा करेगी। लेकिन जैसे जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन हो गया, बच्चे हो गए या बुजुर्ग हो गए 60+ एज वाले, उनका क्या होता है, वो होते हैं डेमोग्राफिक बर्डन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड और डेमोग्राफिक बर्डन क्या होता है, ठीक है। तो साउथ एशिया में वो बहुत ही उसका स्कोप बहुत अच्छा है, उसको हमें यूज करना चाहिए। लेकिन दोचा यही है कि 1/3 ऑफ द चिल्ड्रेन आर स्टंटेड इन साउथ एशिया, ठीक है। उसके कारण ये है क्योंकि हम जस्ट 1% ऑफ द जीडीपी ऑन हेल्थ स्पेंड करते हैं और 2.5% एजुकेशन पे करते हैं, जबकि ग्लोबली एवरेज देखा जाए तो हेल्थ के लिए तो लगभग 5.9%, जो कि 6 गुना हो गए साउथ एशियन कंट्रीज़ के, 6 गुना हेल्थ पे। तो अभी इस बात आपने सुनाइए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, मैंने भी सुना है इसलिए बता रहा हूँ। तो स्वस्थ शरीर रहेगा तो स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा, आप वो देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उसमें। तो और एजुकेशन पे एवरेज, ऑन एन एवरेज ग्लोबल एवरेज है 3.7%, वो भी
साउथ एशिया में काफ़ी कम है। तो इन सब चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है ताकि फिर से ऐसे कोई पेंडेमिक आए या ऐसे कोई प्राकृतिक आपदा आए तो हम अचानक से पूरा सिस्टम पूरी इकोनॉमी हाल्ट ना हो जाए, रुक ना जाए। ठीक है, अभी ये पेंडेमिक के चक्कर में पिछले 2 साल में इंडिया की साउथ एशिया की जो लर्निंग कैपेसिटी रही है वो 60% से घट के और 78% बढ़ गई। लर्निंग पावर्टी अर्थात जो पहले सीखने समझने की क्षमता थी इसमें जो कमी थी वो और बढ़ गई। ठीक है, और इसमें इससे भी ज़्यादा ख़राब बात यह कि जो और भी पुअर हैं, जो वल्नरेबल हैं, जो नाजुक लोग हैं, उनके ऊपर इनकी सब चीज़ का और भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि बांग्लादेश में अगर देखा जाए जो बांग्लादेश के पुअरेस्ट स्टूडेंट थे, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब थे, वो अमीर स्टूडेंट्स की तुलना में उन पर ये लर्निंग के टर्म में सीखने में पढ़ाई में उनकी 50% ज़्यादा ही नुकसान हुआ। अब देखा जाने वाली बात यह है कि क्या क्या सुधार किया जाए। तो वही चीज़ कि इसको रिकवर करने के लिए कुछ अलग से एक्स्ट्रा स्टेप लेने पड़ेंगे। जैसे कि बांग्लादेश ने भी हाल फिलहाल में एक एग्जाम्पल सेट किया कि उन्होंने क्या किया, 1 साल के लिए एडिशनल 2 घंटे का प्री स्कूल का सेशन चलाया 2 घंटे का। ठीक है, मतलब स्कूल के पहले 2 घंटे का एक्स्ट्रा सेशन चल जाएगा जिससे कि रिकवर हो जाएगा कुछ जो लॉस हुआ है। ठीक है, इम्प्रूव लिटरेसी न्यूमरेसी एंड सोशल डेवलपमेंट स्कोर्स को डेवलप करने के, भाई इतना नुकसान हुआ तो उसको समय को कवर करने के लिए 2 घंटा उन्होंने स्कूल के पहले का जो एडिशनल सेशन चला दिया तो डेफिनेटली वर्क करेगा। अपने तमिलनाडु में देख लीजिए, ठीक है, एक्स्ट्रा 6 महीने के लिए एक्स्ट्रा रिमेडियल क्लासेस चला दी गई जिसके स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प हुआ। नेपाल भी पीछे नहीं रहा, नेपाल में क्या हुआ कि वहाँ के जो गवर्नमेंट टीचर्स थे उन्होंने फ़ोन पर ट्यूशन दिया बच्चों को जिससे कि उनकी फाउंडेशनल न्यूमरेसी 30% तक बढ़ी। ठीक है, तो इंसान के इफेक्टिव होने के लिए जैसे मैंने कहा उन्हें एजाइल रिजिलियंट एंड एडाप्टिव होने की ज़रूरत है और इन सारी ओवरलैपिंग कनेक्शंस को रिकॉग्नाइज एंड एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है। कैसे करेंगे, यूज डेटा एंड टेक्नोलॉजी। अभी आपको जैसे क्या होता है कि हमें एक्सपीरियंस्ड हुआ कि किस तरीके से हम जो है पूरा सोशल ऑर्डर, पूरा इकोनॉमिक ऑर्डर, सारी चीज़ें मुश्किल में पड़ जाती हैं, हाल पे आ जाती हैं, रुक जाती हैं जब ऐसा कुछ अचानक से पैंडमिक आ जाता है। तो उसका डेटा बनाइए किस तरीके से मतलब इम्पैक्ट किया और किस तरीके से आपने उसको रिकवर किया, उसका डेटा बनाया जाए। फिर उसके बाद उसको एनालिसिस किया जाए, उस टेक्नोलॉजी के थ्रू से कुछ ऐसी चीज़ें अडॉप्ट की जाए, ऐसी रेडीनेस सेट किया जाए जिसकी वजह से दोबारा ऐसे कोई शॉक्स आए, फ्यूचर शॉक्स आए तो हम रेडी रहें, हम तुरंत ही उसको अडॉप्ट कर सकें और उसी के साथ चल सकें, उसी के साथ जीना सीख लें। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का, डेटा का हेल्प लिया जा सकता है। इसमें भी कुछ क्वेश्चन हैं, हाउ फार डू यू एग्री विद द व्यू दैट द फोकस ऑन लैक और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज द मेन कॉज ऑफ हंगर टेक्स द अटेंशन अवे फ्राम इनफेक्टिव ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसीज इन इंडिया। सबसे पहले आप क्वेश्चन को क्रैक करना सीखिए, उसके बाद आंसर लिखना आसान हो जाएगा। जैसे कि इसका मतलब है आप कहाँ तक अग्री करते हैं कि जो फूड की उपलब्धता है, खाने की उपलब्धता या उसकी कमी है, उसकी वजह से हंगर हो रहा है, या इनफेक्टिव ह्यूमन डेवलपमेंट की जो पॉलिसी है इंडिया की, इंडियन गवर्नमेंट की, उसकी वजह से हो रहा है ना। कह रहा कि कहाँ तक ये फूड की कमी या फूड की उपलब्धता को बता बता के आप अपनी इनफेक्टिव ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसीज को छुपाएंगे। तो वही चीज़ है इसमें आपको बताना है। हालांकि कारण दोनों हैं लेकिन क्या है कि अब जब आप दूसरी कंट्री से कंपेयर करेंगे तो क्या है, उनके यहाँ भी सेम फूड अवेलेबिलिटी है, उतनी कमी है, लेकिन पॉलिसीज चेंज होने की वजह से वहाँ हंगर कम है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करिए क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत बेसिक फैक्टर्स, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसको, मैंने क्वेश्चन को तोड़ दिया है। ठीक है, 2 पार्ट में है ये कि इनफेक्टिव ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसीज ऑफ इंडिया और फूड की कमी की वजह से हंगर क्यों हो रहा, कहाँ तक आप एग्री करते हैं, दोनों फैक्टर्स को आपको एक्सप्लेन करना, फिर उसके बाद एक थोड़ा सा कंक्लूजन पे आ सकते हैं।
डिस्पाइट कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस, एक दूसरा सवाल आया 2019 में AVGS2 में, कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस ऑफ हाई ग्रोथ, इंडिया स्टिल ग्रोज विद द लोवेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आपने सुना होगा कि हम डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली कंट्रीज हैं पिछले 10-15-20-25 सालों में, है ना। ये तो ठीक है, हम बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं, 6-7% पर ईयर, लेकिन फिर भी जब आता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स आता है, उसमें जो इंडिकेटर्स होते हैं, इससे हम लोग क्यों होते हैं, लोवेस्ट पे क्यों होते हैं, तो ये कारण आपको बताना है। और कौन कौन से इशू हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट को इल्यूजू बताते हैं, भ्रमित करते हैं, भ्रम बताते हैं, ठीक है। ये बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन एक्चुअली नहीं हो रहा है, इस पर आपको लिखना है। नाउ मूव ऑन टू द वन डे एग्जाम स्पेशल, खास तौर से इसको मैं लगातार इंग्लिश ही करता रहूँगा, ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक। इंडिया हैज़ बिकम द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन। क्या होगा, 15-20 फैक्ट्स अगर ऐसे डेली लेके आते रहेंगे, 2 महीने का भी समय बचा है, ठीक है, उसमें आपको कम से कम 1200-1500 इतने फैक्ट्स कलेक्ट हो जाएंगे करंट अफेयर्स के, तो डेफिनेटली ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल बी कवर्ड विद इन दोज 2 मंथ्स। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड मोर पॉइंट्स इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन। ये एक ऐसा कैंपेन था जो इंडिया और UNDP ने, COP 27 है ये, कू नहीं है, ठीक है, ये कॉप COP 27 है, चलिए नेक्स्ट टाइम आप समझ लीजिएगा, इजिप्ट में हुआ था, शर्मल शेख में, ठीक है, इंडिया और UNDP ने लॉन्च किया था इन आवर लाइफ टाइम। फैक्चुअल पॉइंट है, पूछा जा सकता है, PCS में तो जरूरी पूछा जा सकता है। वर्ल्ड फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम इन केरला। पुरानी लिखावटों का, पाम लीफ जो ताड़ का पत्ता होता है, उनका एक म्यूजियम बनाया गया है केरला में, वर्ल्ड का पहला है। गाजियाबाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन, 762 किलोमीटर लंबा ये सेक्शन है, जो बन गया है लॉन्गेस्ट फुली ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन ऑफ इंडियन रेलवेज। इसमें क्या है, फुली ऑटोमेटिक मतलब 762 किलोमीटर तक पूरा जो उसका सिग्नल का सिस्टम है वो ऑटोमेटिक हो गया है, जो सबसे लंबा है, गाजियाबाद टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन। अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है फुटबॉल फेडरेशन स्कीम। श्रीलंका होस्ट करेगा 2024 का मेंस का U19 का T20 वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क, वो एक फीमेल क्रिकेटर रही हैं, वो एक पहली क्रिकेटर है जिनके नाम पर एक स्टेचू बनाया गया है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, ठीक है, उनके सम्मान में, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया का, ये भी एक पॉइंट आप याद कर सकते हैं। और अगली जो स्लाइड है, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह टुडे इनॉग्रेटेड नेशनल जीनोम एडिटिंग फैसिलिटी ट्रेनिंग सेंटर एट नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मोहाली पंजाब में, ठीक है, नेशनल जीनोम एडिटिंग ट्रेनिंग सेंटर पंजाब में लगाया गया है, जो नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इंटरनेशनल गीता महोत्सव आज ऑर्गेनाइजिंग कुरुक्षेत्र हरियाणा, कुरुक्षेत्र में ही तो हुआ था ना महाभारत का युद्ध, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए इंटरनेशनल गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में ही आयोजित किया गया। अमर सिंह ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023, द वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स ऑब्जर्व ऑन January 6 एवरी ईयर विथ एन एम टू रेज अवेयरनेस अबाउट चिल्ड्रन ऑर्फन इन वॉर्स। ये मुझे इसलिए इम्पोर्टेंट लग रहा है क्योंकि ये रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है लगातार, तो 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स ऑर्गेनाइज किया जाता है, याद कर लीजिए, फाइन फैक्ट है, पूछा जा सकता है। फर्स्ट G20 मीटिंग टुक प्लेस इन पुडुचेरी ऑन January 31, 2023। G20 से रिलेटेड कुछ भी हो सब बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इंडिया उसका होस्ट है इस बार, ठीक है। तो पहला G20 मीटिंग
पुडुचेरी में हुआ 31 जनवरी 2023 को। कैसे याद करेंगे इसको भी 131 जनवरी 31 को लिख सकते 131, या अगर 31 जनवरी 2023 को लिखा जाए तो क्या लिखेंगे 31 अब लिख 1 अब लिख 2023 3 1 1 2 2 3। तीनों में दो बार दो दो है, दो बार तीन है, दो बार एक है, एक ऐसा डेट। ठीक है, तो कुल मिला के इतना एम्फोसाइज कर दिया गया है 31 जनवरी वो पहला मीटिंग हुआ पुडुचेरी में हुआ। G20 Summit 2022 बाली में हुआ था, पिछला वाला इंडोनेशिया के बाली में, इस टाइम हो रहा है इंडिया के न्यू दिल्ली में, और अगला होगा ब्राज़ील में, और उसके बाद जो 2025 में होगा वो साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ न्यूज़पेपर। वही चीज़, थैंक यू, मैं कर लेता हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।